ओके मन। हाँ यार, मैं मॉम को एयरपोर्ट ड्रॉप करके जस्ट अभी घर पहुंचा। अरे हाँ, तो फिर आज रात तेरे घर पार्टी पक्की ना? हाँ बॉस, पार्टी पक्की है। तो ठीक है, फिर मैं अपनी वाइफ निशा को लेकर आ जाऊंगा। अच्छा सुन, तू जब निकलेगा ना तो अपने साथ निशांत और उसकी वाइफ प्रिया को भी साथ ले आना, मैंने उन्हें भी इनवाइट किया है। लेकिन सागर, तू मुझे एक बात बता यार, तुझे मेरी और निशांत की वाइफ के बारे में सब कुछ पता है करेक्ट, लेकिन तूने कभी अपनी वाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया, ऐसा क्यों भाई? अब यार क्या बताऊं अपनी वाइफ के बारे में, तो इतना समझ ले कि मेरी बीवी अकेली एक औरतों की सेना के बराबर है। घर का सारा काम करती है, सबका ख्याल रखती है, सीधी सादी, भोली भाली और सबसे प्यारी, ऐसी है मेरी मही। क्या बात है भाई, मतलब सर्व गुण संपन्न एक ही नारी में इतने सारे गुण, अब बड़ा लकी है यार तू, सीरियसली। हाँ वो तो हूँ, वैसे यार लकी तो तुम दोनों ही बहुत हो। देख, तेरी वाइफ एक हेयर स्टाइलिस्ट है, फैशन की कितनी समझ है उसे, और निशांत की वाइफ डांस टीचर है, कितना अच्छा डांस करती है, तो हुए ना तुम दोनों लकी। वो तो है यार। तो ये सब छोड़, शाम को टाइम पर आ जाना, आज हम सब धूम धमाल मस्ती और डांस करेंगे, बोले तो फुल एंजॉयमेंट। पक्का भाई पक्का, मैं एकदम टाइम पे तेरे घर पहुंच जाऊंगा। चल बाय मही। थैंक यू मही। मही, आज मेरे दो दोस्त और उनकी बीवियां हमारे यहाँ डिनर पार्टी के लिए आ रहे हैं, आज हम सब मस्ती करेंगे, ठीक है? सोनिया भाभी, आप भी रेडी रहना। ओके। यस। सागर जी ने अपने दोस्तों को लकी कहा, क्योंकि उनकी बीवियों में एक अलग प्रतिभा है, मुझ में तो ऐसी कोई प्रतिभा है ही नहीं। यस। पाना भाई, ये म्यूजिक सिस्टम हॉल में ले जाके सेट कर दीजिए। ये सागर भैया, आपको पता है ना कि काला अक्षर भैंस बराबर होता है, वैसे हमारे लिए संगीत सिस्टम भी काला अक्षर भैंस बराबर है, अब इसको कहां से कनेक्शन करना पड़ेगा हमको पता नहीं है, आपको आना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, मैं भी आता हूँ। हाँ जाइए। वही मेरा दोस्त अमन है ना, उसकी वाइफ निशा हेयर स्टाइलिस्ट है, तो आज जब वो आएगी ना तो मुझसे अपने बालों के बारे में टिप्स लेना, फिर तुम्हारे बाल कभी नहीं झड़ेंगे, तुम्हारे बाल एकदम रेशमी और मुलायम हो जाएंगे। सागर जी, मैं जानती हूँ मेरे बाल आजकल के फैशन वाले नहीं है, और ना ही मुझे मॉडर्न डांस आता है, इस बात का आपको दुख है, लेकिन आप मुझसे कभी कहोगे नहीं, पर आपके मन में तो है ना, अब तो इसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बेबली, तू क्यों कुछ करेगी? मैं हूं ना। नमस्कार चित्रगुप्त जी। क्या हुआ ऐसे अकेले अकेले? समझ गई, आपकी बीवी ने आपको परेशान किया हुआ है ना? आपने हमें अचार दिया था ना, तो हमने अपनी पत्नी से कहा कि अचार ऐसे थोड़ा थोड़ा खाते हैं, ऐसे चाट चाट के खाते हैं, तो वो क्रोधित होकर हमें ही बोली, आप कौन होते हमें टोकने वाले, और हमें भोजन भी नहीं दिया। अरे अरे कोई बात नहीं, देखो आज मैं आपको फुल गुजराती थाली खिलाती हूँ, तो अभी देखो एक मिनट रुको, ये देखिए कितने सारी आइटम है ना, ऐसे मिलेगा नहीं आपको, वो तो कुछ देना पड़ेगा ना सामने। जल्दी बताओ। देखिए आज मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो उसको इंग्लिश डांस आ जाए, और दूसरी चीज उसके बाल रेशमी और मुलायम हो। रेशमी और मुलायम? हाँ दोनों साथ में चाहिए, बोलो ला दीजिए ना। हाँ। अरे वाह, इतनी सारी बोतलें। हाँ। ये पुरुष कट बालों के लिए, मतलब लड़की जैसे। समझ गई, बॉय कट बाल नहीं चाहिए मेरे को, ये नहीं चाहिए। हाँ, और ये
मुलायम रेशमी बालों के लिए। अरे वाह, लाओ ये लाओ। अरे वाह, रेशमी बड़े, एक मिनट खाओ। मैं खाने के पहले दूसरी चीज, इंग्लिश डांस आ जाए वो। ये लो। ये क्या है? नृत्य की चप्पल। नृत्य की चप्पल? हाँ। तो ये पहनने से इंग्लिश डांस आ जाएगा? हाँ? मुझे आप पे विश्वास नहीं है। हाँ? आप हमेशा बहुत गड़बड़ करते हो है? फिर बेबली मुझे डांटती है। मैं इसे पहन के निकालो निकालो। ये तो कमाल के है ना? बहुत अच्छे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैं मेरी बेबली के लिए लेके जाऊंगी। गलत बोतल ले गई बेबली की दादी साथ। बेबली, ये देख चप्पल मस्त है ना? पहन के देख तेरे माप का है कि नहीं। अरे वाह, मेरे लिए लेकर आई है? तो कहाँ से लाई? तो सवाल बहुत पूछती है, पहन लेना। बोला भाई, ये क्या, स्टार्टर में सिर्फ इतना ही नाश्ता? अरे सागर भैया, ये तो सिर्फ टेलर है, खाने की पूरी फिल्म किचन में है। हेलो भाभी, ये क्या? नहीं नहीं, हेयर स्टाइल मस्त है ना? मस्त है। अरे सागर भैया, जब इनकी हेयर स्टाइल ऐसी है तो महिम उजी की कैसन होगी? ओना भाई, डराओ मत यार। हे भगवान, डांस का तो हो गया, लेकिन ऐसे बालों के साथ बाहर नहीं जाऊंगी मैं। ना बाबा ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेबली, तुझे चप्पल देने के चक्कर में मैं तुझे ये बालों में लगाने वाला तेल देना तो भूल ही गई। बालों में लगाने वाला तेल? तो इससे तेरे बाल एकदम रेशमी और मुलायम बन जाएंगे। लगा लगा इसे। नाना, कोई गड़बड़ हो गई तो मुझे नहीं चाहिए। ए जजा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। चप्पल में गड़बड़ हुई? नहीं ना, नाची ना मस्त। इससे भी देख तो लगा लगा बिंदास, लगा 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 रे लगा। लेकिन दादी सास, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों डर रही है? कुछ नहीं होगा। पर अगर कुछ होगा तो चित्रगुप्त जी है ना। मतलब कोई गड़बड़ होगी? ना ना ना, ना, ना बाबा, मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ, तुझे हिम्मत दे रही हूँ मैं। लगा लगा जल्दी से लगा, कोई आ जाएगा। चल 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 लगा। अच्छा? हाँ। चल, मस्त बाल बन जाएंगे। चल चल। मही, ये क्या? रेशमी करने वाला तेल लेकर आई थी, ये तेल बदल कैसे गया? ये क्या हो गया मुझसे? अब बेबली क्या करेगी? मैं गायब हो जाती हूँ। दादी सास,
सागर जी, सागर जी, मैं क्या करूं? मही, मही क्या तुम्हें घूंघट उंगट ओढ़ के खड़ी हो? मही जल्दी चलो, सब आ गए, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सागर जी, मैं ऐसे आऊं चलेगा? नहीं मही, ऐसे घूंघट में, इतने हसीन चेहरे को घूंघट में मत छुपाओ यार। चलो जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो आप जाइए सागर जी, मैं लिपस्टिक करके आती हूँ। आप जाइए, हाँ जाइए जल्दी। हाँ कम, भाभी को तो बुला यार, वो तैयार हो रही है। सागर, तुम्हारी वाइफ को तैयार होने में इतना टाइम लगता है? इतनी देर में तो मैं अपने दो स्टूडेंट्स को डांस सिखाकर उन्हें एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे देती हूँ। मैं दो कस्टमर की हेयर स्टाइल बना देती हूँ। सुनिए भाभी, मही को जरा बुलाइए ना। सागर भैया, जरा कैसे बुलाऊं? बुलाऊंगी तो पूरी बुलाऊंगी ना। I'm sorry भाभी, पूरी बुलाइए। अभी बुलाती हूँ। सोनिया भाभी। मही, आते हैं तो अंदर। ये मही चलो ना। मही, ये क्या? बाप, इसको कुछ भी मस्त है, कैसे लग सकता है? भाभी, ये आपका जो तीन मिंडा वाला हेयर स्टाइल है, अच्छा लग रहा है। हेयर स्टाइल है ना? थैंक यू। पर मही, ये जो तुम्हारी हेयर स्टाइल है ना, माय गॉड, बहुत कम लड़कियों के सर पे मैंने देखी है। मस्त है, एकदम यूनिक, मतलब निराली। निराली मतलब वो 209 नंबर वाली प्रेमा आंटी की बेटी निराली नहीं है? निराली भाभी, समझ गई। ये हीरो स्टाइल वाली बात आप बाहर किसी को बताना मत, ऐसे लेवर पेटस। मतलब सरप्राइज। सरप्राइज, बराबर सरप्राइज। ओके, पर मही जल्दी चलो ना, वो सागर भैया कब से बुला रहे हैं तुम्हें। आती आती भाभी, आप जाइए। ओके, जल्दी आना। हाँ कपल, दरवाजा बंद कर जाते हैं। दरवाजा बंद करके जाना। हाँ भाभी। दादी सास, सुनिए, भाभी को तो कैसे भी करके पटा लिया, वो तो बेचारी भोली भाली है इसलिए समझ गई, लेकिन बाकी लोगों से कैसे बचूं मैं? वो भोली भाली नहीं है, थोड़ा कम है इधर। दवा दो अभी, आगे बोलो मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है दादी सास। हाँ बेबली, सोच, तू कुछ सोच। मैं मतलब मैं भी सोचती हूँ। सोचो। एक मस्त वाला आइडिया आया। मिल गया तुझे आइडिया? अच्छा, क्या आइडिया है? आगर यार, ये क्या हो रहा है? शाम को आए थे, रात हो गई, भाभी कब आएंगी? दो मिनट। टू मच भाई। मैं देखता हूँ, दो मिनट बाद। सागर भैया, मही बस दो मिनट में आ रही। ओके, दो मिनट में आ रही है।
नहीं भाभी, ये क्या सरदार जी क्यों अभी सरदार के लुक में? अच्छा तुसे बता रहे थे ना कनाडा में आप लोग आके बहुत सारे पंजाबी दोस्त है जी। हाँ ओ जी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग आने उन पंजाबी दोस्त की याद दिला दूं हैं। ओह, तो हमारे कनाडा जाने से पहले यहाँ कनाडा का माहौल बनाया जा रहा है? हाँ। अरे पाजी, मैंने तुम मही पाबी को देखे ना, गुरप्रीत पाजी की याद आ गई। तेरी सच कह रहा है यार, सच कह रहा है। ओ जी, आप लोगों ने बताया हमारे गुजराती और पंजाबियों का ना खुशी मनाने का स्टाइल ही कुछ अलग होता है जी। ओ हेलो, डिंका चिका चिकना चिका डिंका, ओए बल्ले बल्ले, ओए शवा शवा, ओए आजी आजी ओ जी। कैसा था जी, कैसा था? सब लोग पंजाबी स्टाइल में पार्टी मनाएंगे। पंजाबी और सुनो, पार्टी में सभी बहने पंजाबी भाई बनेगी, ठीक है? वाओ, इट विल बी ग्रेट फन, मजा आएगा। हाँ मही, तो फिर हम लड़के क्या बनेंगे? हाँ, हम लोग क्या बनेंगे फिर? वो तो आप लोग ही सोच लो। यस, हमने सोच लिया है। अच्छा, क्या बनोगे? वो तुम लोग खुद देख लेना, सरप्राइज होगा। ठीक है, ओए तो जा मुंडा, तैयार हो जा। आजी और कुड़ियो से आजी लेटेस पार्टी शुरू करता है आजी। भाई तुम भी अपनी पगड़ी निकाल दो ना। देखो तो तुम्हारी हेयर स्टाइल कैसी है।
वाह मही, तुमने क्या डांस किया, मजा आ गया। सीरियसली मस्त था मही, मजा आ गया, वाह। दोस्तों इस यादगार पल की एक फोटो तो बनती। हाँ हाँ, एक फोटो तो बनती है। मैं सेल्फी लेती हूँ, आई मीन फोटो खींचती हूँ। रेडी मही, तुम भी अपनी पगड़ी निकाल दो ना। हाँ मही, देखो तो तुम्हारी हेयर स्टाइल कैसी है। दस बजने में 10 सेकंड बाकी है। मही तुम घड़ी क्या देख रही हो, पगड़ी निकालो ना। नहीं सागर जी, ऐसे अच्छा लग रहा है। नहीं सागर यार, कैसा बंदा है तू यार, अपनी बीबी से हार मान गया। चल दामाद तो भाभी के सर से पगड़ी हटा के देखा। 10 बजने में से 5 सेकंड बाकी है। ऐसा क्या, देखो अभी निकालता हूँ, देखना। खींच रही हूँ। हाँ मस्त है। वाह सागर, कमाल कर दिया आज भाभी ने। ये पार्टी तो यार लाइफ टाइम याद रहने वाली। सीरियसली सागर जी, अब तो आप मुझसे खुश हो ना। ऐसा क्यों पूछ रही हूँ? वो मैंने आपकी बातें सुन ली थी। वैसे यार लकी तो तुम दोनों ही बहुत हो। देख तेरी वाइफ एक हेयर स्टाइलिस्ट है, फैशन की कितनी समझ है उसे, और निशांत की वाइफ डांस टीचर है, कितना अच्छा डांस करती है, तो हुए ना तुम दोनों लकी। वो सारी बातें मैंने आपकी सुन ली थी। तुम भी ना, तुमने पूरी बात नहीं सुनी थी। तुमने जो सुना ना, उससे पहले मैंने ये भी कहा था कि मेरी मही अकेली एक औरतों की सेना के बराबर है। घर का सारा काम करती है, सबका ख्याल रखती है, सीधी सादी, भोली भाली और सबसे प्यारी है मेरी मही। ऐसा कहा था? सच, 100% सच। वही, आई लव यू।